मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 में अब सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री बेस के रहते हैं। आज हम थोड़ा इस ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स भी पढ़ेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है मैंने इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो उसमें ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो इसी को क्वेश्चन को एक हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया। तो डायग्राम में राइट एंगल बी था तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें एक 90 डिग्री, तो बी ले लिया। तो जैसे ही पॉइंट एक ऊपर सी लिया, ए लिया। अब जो बी के सामने सी एस ए पॉइंट आ रहा है, जो बी के सामने ए पॉइंट आएगा, जो ए पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है साइन और कॉस के एंगल को। तो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एच निकालना है। होता क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। हमने जो प्रीवियस क्लास है उसमें फॉर्मूले पढ़ के रखे हैं, मैंने से हमने पहले भी पढ़ लिए। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, मुझे निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम सिंपली क्या होती है, एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। तो एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हम ढूंढते हैं पहले, हमें जो भी 90 के सामने वाला होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो भी इनके साथ ये ऐसे हो वो बेस। तो हमारे पास वैल्यूज है, एच की वैल्यू नहीं है तो एच में कुछ नहीं लिखा, पी की वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू आ गई 24 का स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर, तो 7 का 7 का 49 होता है, और ये 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आता है। कितना आता है, 576। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 625। जैसे एच निकालना है मुझे, तो एच इक्वल टू 625, तो इसका स्क्वेयर रूट निकालोगे 25 आता है। क्या आएगा, 25। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। कितना आ गया, 25। तो इस सारे के सारे को करने के बाद हमने दोबारा से एक फॉर्म पढ़े, वो या रफ वर्क में लिखो या क्वेश्चन में। पहले मैं ऐसे लिख देता हूं साइड में, ये तो ये याद कैसे रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। तो उसको याद कर सकते हैं ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल करके, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो वाला रिप्रेजेंट हो गया। तो अब रिप्रेजेंट के साथ ही हमारे पास जो ये बनता है, तो इसको हम इधर ले लेता हूं एक बार, ये रफ वर्क रहा। तो ये सारे के सारे एक फॉर्म नोट बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा जब भी परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूज होगा तो साइन बनता है, क्या बनता है, साइन ए साइन थीटा रहेगा। ये वाला बी ओवर एच होगा तो कॉस, और पी ओवर बी होगा टेन। वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, थोड़ा भी पढ़ लेते हैं। अगर इसका रिवर्स कर दे उल्टा, एच अपॉन पी होगा तो कॉसिकेंट, और एच अपॉन बी होगा सीकेंट, और P ओवर B होगा तो B ओवर P cot। तो मुझे साइन के हिसाब से निकालना है, मेरे पास दो फॉर्म्स रहते हैं। मुझे निकालना क्या था, साइन A एंड साइन A निकालना था, और
कॉस है। तो जब साइन ए और कॉस ए की बारी आती है तो साइन ए हो गया पी ओवर एच और कॉस क्या हो जाएगा बी ओवर एच बी अपॉन एच। तो या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्या है बी सी, बी सी ओवर एच क्या है ए सी। तो आंसर आ गया बी सी है 7/25 और बी ओवर एच होगा तो बी क्या है बी है 24 और एच क्या है 25 24/25 अब निकालना क्या है नेक्स्ट जो इसका पार्ट है साइन सी कॉस टी। नेक्स्ट निकालेंगे दूसरा पार्ट है इसका साइन सी कॉस सी। जैसे ही साइन और कॉस अब आ गया तो एक प्रॉब्लम हो जाती है यहां पे जो वैल्यूज है वो पहले क्वेश्चन में लिखे होंगे मैं रफ में लिख लेता हूं अभी। मेरे पास बी और सी 7 ए और बी 24 और ए और सी 25 तो मैंने डायग्राम सारा मिटा दिया। दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे उसके लिए तो क्वेश्चन में गिवन दिया था बी पे राइट एंगल होता है 90 डिग्री। अब यहां सी है पिछली बार ए था इधर क्या आ जाएगा अब सिर्फ सी आएगा ऊपर ए आएगा। हमने सारे पॉइंट्स पहले निकाले हैं बस हमें ढूंढना है बीसी कहां है इधर है 7 सेंटीमीटर ए बी किधर है 24 सेंटीमीटर ए सी किधर है 25 सेंटीमीटर। दोबारा से वही साइन सी लिखो कॉस सी लिखो साइन सी होता क्या है वही दोबारा से ऐसे लिख लो याद करने के लिए। तो साइन होता है पी ओवर एच और कॉस क्या होता है बी ओवर एच। तो सबको पता है परपेंडिकुलर 24/25 हो गया ये एच का। अब बी कितना है 7 और एच कितना है 25 तो आ गया हमारे पास साइन 24/25 और कॉस 25। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में पहले से डायग्राम बनी हुई है हमने क्वेश्चन राइट कर लिया इस वाले क्वेश्चन में बेस नहीं दिया तो सिंपली पहले मैं सॉल्यूशन में बेस ही निकालूंगा या गिवन लिख रहे हैं तो गिवन लिख सकते हैं। हमारे पास PQ 12 सेंटीमीटर एंड PR 13 सेंटीमीटर और QR को QR ही मान लिया तो इन पाइथागोरस थ्योरम तो आ जाएगा h² p² + b² तो h है 13 का स्केयर p कितना है 12 का स्केयर और b निकालना है 169 हो गया 144 जिसके भाई स्केयर याद कर ले ठीक है 169 से 144 सब्ट्रैक्ट किया 20 स्केयर आ गया 20 स्केयर आया थे दैट इज 25 आएगा प्लस माइनस तो माइनस वाला नहीं लेते हम प्लस वाला लेंगे 5 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था एक बार दोबारा सुन लो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाई जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाई
वैल्यूज पुट किए और हमारे पास आंसर आ गया। मुझे निकालना क्या है, टेन पी कॉट आर। तो ये वाला डायग्राम जो आर है वो एंगल है, तो एंगल कहां आ रहा है, इस पे आ रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट कॉट के लिए बने, मुझे टेन के लिए दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी और दोबारा करना पड़ेगा। डायग्राम से ही करें तभी याद रहेगा, वरना मिस्टेक सोच सकती हूँ। देखो ये कॉट आर के लिए था, तो दोबारा से वो वाला फॉर्म लिख लेते हैं। सर तो P ओवर B कॉट होता है, तो कॉट R B ओवर P, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होगा। B अगर 5 है तो P हमारे पास 12। अब मुझे निकालना क्या है, tan P। अगर tangent P निकालना है तो P ओवर B होता है। अब tan P के लिए अगेन डायग्राम बनाएंगे, रफ वर्क में बनाओ चाहे। फिर हुआ क्या, मैंने पॉइंट्स रेज कर दिए, तो 90 पे क्या था पहले, Q था। 90 पे Q था, मुझे इधर P चाहिए, ऊपर क्या आ गया, आर आ गया, सिंपल सी बात है। तो अब क्या होगा, PQ जो 12 था वो इधर आ जाएगा। अब QR कितना था, 5, तो QR इधर 5 और RP जो बचा वो 13 बचा। तो देख लो P ओवर B है, P की वैल्यू 5 और B की 12। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, इसका आंसर निकालना है। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट P माइनस कॉट R राइट किया, tan है 5 ओवर 12 कट गया, इसका आंसर 0 है। कितना आया, 0। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया। थैंक यू।